अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राणा अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योर सेल्फ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स। तो हम पहले मॉलिक्यूल को देखेंगे कि मॉलिक्यूल होता क्या है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बन सकता है, देन उसके बाद उनकी टाइप्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूल होता क्या है, मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को डिफाइन कैसे करेंगे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात, क्या चीज के मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा जो कि क्या कर सकता है इंडिपेंडेंटली। मतलब इसकी जो शर्त है वो क्या है, दो ही शर्त है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली क्या हो सके, वो एग्जिस्ट कर सके। ठीक है जी, तो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अब ये जो मॉलिक्यूल होता है ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ये मिलकर बनता है एटम्स के साथ। किस चीज़ से, एटम्स। अब एटम्स जो है वो क्या होते हैं, एटम्स की हमने पहले भी डिफाइन कर रखा है, पीछे हमने टॉपिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से देखा था। तो एटम क्या होता है बेसिकली कि वो छोटा हिस्सा जो मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है जी, मे आर मे नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे आर मे नॉट बी डिविजिबल, जो कि डिवाइड हो भी सकता है और डिवाइड नहीं भी हो सकता। जो पुरानी डेफिनेशन थी एटम की, जो पहले होती थी 17th century के अंदर, वो क्या थी कि जो एटम है उसको पहले क्या तसव्वुर किया जाता था कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि एटम की डेफिनेशन ये होगी कि वो छोटा हिस्सा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा हिस्सा जो कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे टेक्निक्स नहीं थे, कुछ ऐसे टूल्स नहीं थे जिससे एटम को डिवाइड किया जा सके। तो उन्होंने क्या ख्याल किया, अब उन्होंने नाम भी एटमॉस जो है, एटमॉस जो ग्रीक वर्ड है, अब उसका जो लफ्जी मतलब होता है वो क्या होता है, नॉट डिविजिबल, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसने नाम भी एटम का किस चीज़ पर रख दिया कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, लेकिन अब जो है एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने जो नई डेफिनेशन बनाई है वो क्या है कि विच मे और मे नॉट बी डिविजिबल, जिसको हम मतलब डिवाइड कर भी सकते हैं और डिवाइड नहीं भी कर सकते, मे और मे नॉट बी डिविजिबल। क्लियर हो जाएगी बात। अब हम मॉलिक्यूल की डिफाइन कर लिया है हमने, अब इसकी हम क्या देखते हैं, टाइप्स को देखते हैं। तो टाइप्स के लिए हम दो तरीके से एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम डिफाइन, मतलब उसकी जो टाइप्स है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स की बेस पे, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है जी, और दूसरा जो है टाइप्स ऑफ एटम्स। क्लियर हो जाएगी बात, एक क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा क्या है टाइप्स ऑफ एटम। अब हम इनको शॉर्टली देखते हैं कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम की बेस पे, तो हमारे पास एक तो होता है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उसके बाद कौन सा होता है डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी, उसके बाद हम टेट्रा कह सकते हैं,
इवन टेट्रा अटोमिक मॉलिक्यूल, और उसके बाद हम ऑक्टा भी कह सकते हैं, ऑक्टा में भी होते हैं, ऑक्टा अटोमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो इस तरह जो नंबर ऑफ टाइप्स, नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये हो गया। और एक और होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीअटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये है नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर, मोनोटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ऑक्टाएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मोनोटॉमिक के अंदर कितने एटम्स मौजूद होंगे, एक, डाइएटॉमिक के अंदर दो, ट्राइएटॉमिक के अंदर तीन, और टेट्राएटॉमिक के अंदर चार, और ऑक्टाएटॉमिक के अंदर आठ। और पॉलीएटॉमिक जो है वो मेजर कैटेगरी है, मतलब उसके अंदर क्या आ जाएगा, दो से ज़्यादा, ठीक है जी, दो से ज़्यादा अगर एटम्स मौजूद है तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मोनोएटॉमिक के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती है, वो सारी एग्जांपल आ सकती हैं जो कि नोबल गैसेस हैं, ठीक है जी। तो नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारे क्या है, नोबल गैसेस है, और ये आज़ादाना वैसे ही रह सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। डाइएटॉमिक के अंदर कौन कौन सी आ सकती है, जैसे कि H2 है, F2 है, N2 है, O2 है, ये सारी जो है, Cl2 है, तो ये सारे, और जितने भी मतलब हैलोजेंस है, और बाकी N2 है, O2 है, तो ये सारी जो हैं वो कौन सी होगी, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। ट्राइएटॉमिक के अंदर कौन सी आ सकती है, ओजोन जो है, अब O3 ये क्या है, ट्राइएटॉमिक के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, टेट्राएटॉमिक में है हमारे पास P4 कह सकते हैं, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। और फिर ऑक्टाएटॉमिक में S8 जैसे हम कहते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाएगा। और पॉलीएटॉमिक का हमने कह दिया है कि दो से ज़्यादा, अब वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छः, सात, जितने भी हो सकते हैं, तो उस बेस पर भी हम क्या कह सकते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एटम की बेस पर हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो टाइप्स की बेस पर हमारे पास दो ही किस्म की है, एक तो है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद दूसरी जो है वो क्या है, हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। अब होमोएटॉमिक और हेटरोएटॉमिक में फ़र्क क्या है, होमो जो है वर्ड निकला है वो किसी से होता है, सेम, और हेटरो जो वर्ड निकला है उससे होता है, मींस डिफरेंट। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब जो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर क्या होंगे, जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, और हेटरोएटॉमिक के अंदर डिफरेंट एटम्स जो है वो आपस में मिलते हैं, और इसको हम दूसरे वर्ड्स के अंदर कंपाउंड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कंपाउंड्स। अच्छा जी, तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी है Cl2, अब दोनों जो एटम्स हैं वो Cl के ही है, Cl और Cl आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जैसे कि O3 की बात की मैंने, तो O3 की अगर बात करें तो तीनों ऑक्सीजन के एटम हैं। मैं कहता हूँ P4 की बात करता हूँ, S8 की बात करता हूँ, या N2 की बात करता हूँ, ये सारे क्या हैं, हमारे पास एक ही जैसे एटम्स मिलकर और एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा कि डिफरेंट एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, अब यहाँ पर एक जो है हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का, और दूसरा क्या है, क्लोरीन का है, तो डिफरेंट एटम्स है, तो उस लिए हम इसको क्या कहेंगे, हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है जी। जैसे कि C6H12O6, अब यहाँ पर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन डिफरेंट टाइप्स के जो है वो क्या है, हमारे पास एटम्स मौजूद है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तीन डिफरेंट किस्म के है, तो हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कह देंगे। क्लियर हो जाएगी बात। आगे जो है मॉलिक्यूल की मज़ीद हम जो डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई वो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि पोलैरिटी की बेस पे, और हम कह देते हैं उसकी नेचर की बेस पे, और साथ में उसके साइज़ की बेस पे, बहुत सारी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक जो है वो यही है कि नंबर ऑफ एटम और टाइप्स ऑफ एटम की बेस पे हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स। आगे जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो लिमिटेशन रह गई है, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।